समा के रुकने चाहिए या नहीं रुकने चाहिए, और संदेश खाली जैसी घटनाएं रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी को शर्म मानी चाहिए। एक महिला मुख्यमंत्री रहते हुए सालों तक धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण किया गया, उनके ही नेता ने किया। मैं आज बताना चाहता हूं, सीबीआई जांच कर रही है, बंगाल की माताओं बहनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। संदेश खाली के गुनेगारों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी ने इस बंगाल में बे इंतहा भ्रष्टाचार किया। उनके मंत्री के घर से 50 करोड़ रुपया पकड़ा गया। ये सभा में किसी ने 50 करोड़ एक साथ देखा है क्या? देखा है भाई? 50 करोड़ रुपया ममता दीदी, ये किसका है? किसका है पैसा? राणा घाट वालों, राणा घाट के गरीब युवाओं का ये पैसा है, गरीब युवाओं का पैसा। ये कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए हैं। मैं आज बताने आया हूं भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार करने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी, अरे आप बैठ जाओ भाई, चलो। भाइयों बहनों, मोदी जी ने ये 10 साल में इस देश के 80 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए हैं। अभी जो हर महीना 5 किलो चावल आता है ना, वो ममता दीदी कहती है कि मैं भेज रही हूं, ये झूठ बोल रही है। ये चावल हमारे नेता नरेंद्र मोदी भेज रहे हैं। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी 12 करोड़ घरों में टॉयलेट्स बनाए, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने बनाए। 4 करोड़ घर बनाया गरीबों के लिए, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। 10 करोड़ से ज्यादा गैस का कनेक्शन दिया, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम किया, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने दिया। भाइयों बहनों, जब मैं राणाघाट आया हूं तब हरिचंद ठाकुर जी, गुरुचंद ठाकुर जी, बोरो मां, तीनों को प्रणाम करता हूं और उनको मन से याद करता हूं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताओ, सीए इस देश में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जोर से बोलो, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? यहां बड़ी संख्या में मतवा समाज के लोग शरणार्थी बने हुए। एक और तो ये ममता सरकार घुसपैठियों को पनाह दे रही है, और दूसरी ओर मतवा समाज के लोगों को नागरिकता देने का विरोध कर रही है। सीए के खिलाफ घुसपैठियों के जुलूस निकाल रही है, सीए को वापिस लेने की बात कर रही है। और मित्रों, मैं आज वादा कर जाता हूं बंगाल की जनता को, किसी की ताकत नहीं है सीए को हाथ लगाने की। एक एक शरणार्थी को हम नागरिकता देंगे, ये नरेंद्र मोदी जी का वादा है। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी अपनी वोट बैंक के लिए सीए का विरोध कर रही है। मैं आज ममता दीदी को बताना चाहता हूं, ममता दीदी, इतने सालों में आपने बंगाल को बर्बाद कर दिया। भाइयों बहनों, कटमनी रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? जोर से बोलो, कटमनी रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? फिरौती रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए?
घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए, बम धमाके रुकने चाहिए या नहीं रुकने चाहिए, और संदेश खाली जैसी घटनाएं रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी को शर्म मानी चाहिए, एक महिला मुख्यमंत्री रहते हुए सालों तक धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण किया गया, उनके ही नेता ने किया। मैं आज बताना चाहता हूं, सीबीआई जांच कर रही है, बंगाल की माताओं बहनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, संदेश खाली के गुनेगारों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी ने इस बंगाल में बे इंतहा भ्रष्टाचार किया। उनके मंत्री के घर से 50 करोड़ रुपया पकड़ा गया। ये सभा में किसी ने 50 करोड़ एक साथ देखा है क्या? देखा है भाई? 50 करोड़ रुपया ममता दीदी, ये किसका है? किसका है पैसा? राणा घाट वालों, राणा घाट के गरीब युवाओं का ये पैसा है, गरीब युवाओं का पैसा। ये कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए हैं। मैं आज बताने आया हूं भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार करने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा।